हरे कृष्ण। तो आज का हमारा विषय है कि हम कोरोना से बच के कहाँ जाएं। देखिए आज लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम दूसरे स्थान पर चले जाएंगे तो सेफ है। तो क्या सेफ है वाकई? नहीं है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। आपने बहुत बचपन में पढ़ी होगी उस कहानी। एक बार एक खरगोश जो है अपने बिल के पास सोया हुआ था और अचानक उसके बिल के पास एक बड़ा सा फल आम गिरा। वो खरगोश डर गया और उसे लगा कि आसमान गिर रहा है और वो खरगोश लगा भागने, चिल्लाने लगा आसमान गिरा भागो भागो। बगल में कुछ सियार थे, उसने पूछा क्या हुआ खरगोश, क्या हुआ, क्यों भाग रहे? बोला अरे आसमान गिरा भागो भागो। और सियार भी दौड़ने लगे, बोले अरे आसमान गिरा भागो भागो। जंगल के सारे जीव जंतु, हाथी, गधा, घोड़ा सब भाग रहे और सब जाते जाते जिसने भी सुना सब लोग भागने लगा। और फिर जब बहुत दौड़े तो एकाएक उन्हें सिंह उनके रास्ते में मिल गए और सिंह को देखते ही रुक गए। सिंह ने पूछा क्या हुआ, सब लोग आज एक साथ क्यों भाग रहे हो? तो उस समय खरगोश ने सारी घटनाएं बताई कि मैं बिल के पास सो रहा था, एकाएक आसमान गिरा। तो उस समय शेर बोले अच्छा आसमान गिरा, ये कैसे संभव है? आसमान गिरेगा तो पूरी दुनिया पे गिरेगा ना, एक स्थान पे थोड़ी गिरेगी। तो शेर जो है उस स्थान पर लेके गया जहाँ पे आसमान गिर रहा था, जहाँ पे खरगोश सोया हुआ था। तो उस स्थान पर उन्होंने जाके देखा तो एक फल गिरा हुआ था। तो हमें इससे समझना ये है कि हम जो ये भाग रहे हैं तो ये कोरोना वायरस तो हर जगह फैला हुआ है, कहाँ हम बच सकते हैं इससे? जैसे आसमान गिर रहा है, आसमान तो पूरी पृथ्वी पर गिरेगा ना जी, एक स्थान पर तो गिरेगा नहीं कि हम बॉम्बे छोड़ के दिल्ली चले जाएंगे या फिर दिल्ली छोड़ के कोलकाता चले जाएंगे तो बच जाएंगे। नहीं, वहां भी आसमान गिरेगा, वहां भी कोरोना है। तो वैसे भागना नहीं है, कोरोना हर जगह है, आप बच के कहां जा सकते हैं बताइए। अतः जहां है वहीं रहिए, सरकार के निर्देशों का पालन करिए और घर में ज्यादा से ज्यादा भगवद गीता को पढ़िए। और अभी तक जिस ज्ञान से आप वंचित थे उस ज्ञान को ग्रहण करिए। ध्यान रहे गीता ही एक ऐसी बुक है जो आपको इस आए हुए बीमारी से बचा सकती है और फिर भविष्य में कैसे ऐसी बीमारी उत्पन्न ना हो इससे बता सकती है। अतः आज से ही, अभी से ही अपना गीता पढ़ना आप शुरू कर दीजिए और जिस ज्ञान से आप अभी तक वंचित थे उस ज्ञान को ज्ञान करिए, लीजिए। अभी सबसे अच्छा समय है, आपके पास गीता नहीं है, गूगल में जाइए, सर्च कीजिए श्रीमद भगवत गीता डाउनलोड, आपको भगवत गीता मिल जाएगा, ठीक है? अतः इस लॉकडाउन का यूज कीजिए, भागिए मत, श्रीमद भगवत गीता पढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए और अपने जिंदगी को धन्य बनाइए। थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, दैट्स रूपानुगादास.rgm। थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण।